गाइस वेलकम टू लॉयलिज्म, जिसमें सब लोग बहुत ही ज्यादा पीसफुली रहते हैं। पर जैसे कि आप लोगों को पता है, टेडी बैन होने के बाद टेडी मेरे को बुलाता है सर्वर में ताकि मैं उसको अनबैन करा सकूं। एंड पिछले एपिसोड में मैंने वही किया था। और आज हम इस एसएमबी में कुछ बहुत ही ज्यादा सीक्रेट करने वाले हैं। हम बनने वाले एक बहुत मस्त स्पाई। सो वीडियो को देखते रहो, आप लोग को सब कुछ पता लगेगा। देखो तुम लोग, आई केम हियर फॉर पीस। ओके पीस, आई केम हियर फॉर पीस। देखो भाई, आर्मर भी उतर दिया मैंने। देखो भाई, ठीक है, हम नहीं उतारेंगे। ओके, हमें ये पता चल गया। देख, तूने रिवाइव करा। ओके, तो झूठ भी मत बोलिए अभी। क्या मैंने रिवाइव किया? देखो, मैं तुम लोगों से ये बात ही करने आया था। देखो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उसको जैसे ही जैसे रिवाइव किया, उसने मेरे जितने भी वैल्यूएबल स्टफ थे वो सब लेके भाग गया। ये तो आर्मर मैंने पहना हुआ था, वो मेरे को नहीं मार पाया क्योंकि वो 5 हर्ट्स था। बंदे ने ट्राई नहीं किया मेरे को मारने का। मैं लिटरली उससे बदला लेना चाहता हूँ। लाइक, उसने मेरे को पूरा गंदा वाला धोखा दिया। एंड आई रियली होप कि मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन करके उसको एक सबक सिखा सकूं। एक सेकंड, वोल्ट बता इसको क्या बोल रहा है। ब्रो, तूने हमारे दुश्मन जिसने मेरे को मार के मेरा हार्ट भी चोरी करा एंड मेरा आर्मर भी चोरी करा ऑन डे वन लिटरली। अरे आई गेट, उसको रिवाइव करा तूने, उसको रिवाइव करा, लेकिन मैं आया था, मेरे वोल्ट ने, तूने मिलके मेरे पूरे हार्ट्स फार्म किए। ओ तो फन कर रहे थे। मैं टोटली प्लान बता रहा हूं। देखो, हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग, मैं उसको अनबैन करूंगा, हम दोनों ग्राइंड करके पावरफुल बनेंगे एंड देन हम तुम लोगों को जो ट्रैप करके फंसाएंगे। मैं ये सारी चीजें तुम लोगों को आके बता रहा हूं। लिटरली मैंने तुम लोगों को दिखा दिया मेरे पास नेदरराइट का आर्मर है। लाइक आई एम टोटली क्लीन। बट तू हमें ज्वाइन क्यों करना चाहता है? लाइक हम ऑलरेडी स्ट्रांग हैं भाई, हमें नहीं, तीसरा बंदा नहीं चाहिए, तू ज्वाइन ही क्यों करना चाहता? मैं लिटरली टेडी को सबक सिखाना चाहता हूं। मैं नॉट ओनली ये दिखाना चाहता कि मैं टेडी मार के उसके हर सेलो, मैं लिटरली उसको दिखाना चाहता हूं कि मैंने उसको बिट्रे किया है। लाइक मैंने सीरियसली उसको बिट्रे किया है, उसके फ्रेंडशिप को भी बिट्रे करना चाहता हूं मैं। ओके, तो तेरे को आई थिंक सिर्फ टेडी को बैन करना पड़ेगा। वी डोंट वांट हिम इन दिस सर्वर, ठीक है? सिंपल ये बात है, हमें नहीं चाहिए वो बंदा यहां पे। उसको बैन कर दे, बैन कर दे, देन वी कैन, वी ऑल थ्री कैन बेसिकली प्ले पीसफुली, ठीक है? हमारा फर्स्ट प्लान था बल्की के साथ जुड़ने का, वो तो कामयाब हो गया लगता है। अब टेडी को बुलाते हैं। हेलो टेडी, कहां पे हो? कुछ नहीं, मैं तो अपने सीक्रेट बेस में हूं। क्यों, क्या हुआ? जरा बात है इंपॉर्टेंट, जरा आना है स्पॉन पॉइंट पे। क्या हुआ बताओ? देखो मेरे को तुमसे ये बात करनी, जरा पीछे देखो। पीछे क्या? ओ वेट, व्हाट? अरे आप कौन किसकी तरफ, अभी पता चलेगा तुमको। रुको, कहाँ पे जा रहे हो? रुको, अरे रुको, भागते कहाँ जा रहे हो? रुको तो तभी तो बताऊंगा। रुको, क्या चल रहा है बता रहा हूँ। रुको तो सही, रुको तो सही। हाँ भाई डीएक्स भाई, ये क्या है? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। अरे तो वही तो, तुम हार्ट चाहिए मेरे को। रुको, कहाँ पे गए आप? भाई हम दोनों की टीम बहुत ओपी बन सकती थी यार। अरे तो ओपी टीम बना रहे ना। देखो मेरे को हार्ट चाहिए, तो ओपी टीम बनाने के लिए हार्ट की जरूरत है, इसीलिए मैं हार्ट दे रहा हूँ तुमसे। तो भाई तुम वैसे बता देते यार, हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेते। बात तो सुन लो मेरी यार, हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। अभी भी मान जाओ मेरे पास 2 हार्ट्स है। अरे कोई बात नहीं, 2 हार्ट्स है ना, तो मैं ले लूंगा तो मेरे हार्ट बढ़ जाएंगे। देखो मेरे 10 हार्ट्स हो गए कैसे, ठीक है यार? भाई मेरी बात तो सुन ले यार। नहीं एक्सट्रीम भाई, ये नहीं करना था यार। ओ भाई हेलो, दोबारा बैन हो गया भाई तू? भाई ये दोबारा बैन होने का कैसा शौक है? दो बार बैन हो गया भाई। अब यहाँ पे जो मास्टर प्लान था ना, वो सक्सेसफुल हो चुका था। इसके बाद जो है बल्की ने मेरे को बुलाया। DX, now you are allowed to join our gang. हमने जो है पासिस बनाए हैं, क्योंकि आने वाले जो भी मेंबर्स, जो भी आएंगे प्लेयर्स, हम जो है चाहते हैं कि सब के सब जो है हमारी टीम में जुड़े। और अभी आई डोंट थिंक सो टेडी वापस आ सकता है, अभी कोई पॉसिबल नहीं आने वाला भाई, वो नहीं आने वाला। और भाई तो हम पे कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं? कल हम लोग तुझे पकड़ के मार के तेरे नेदरराइट आर्मर चोरी कर ले, देन क्या करेगा? एक से तुम लोग अपने टीममेट्स को बिट्रे करते हो। अब नहीं, ऐसा नहीं करते। ओके ओके, यू आर द प्राउड मेंबर ऑफ बुवुल्ट आर्मी। ओके बहुत अच्छी नेम है भाई, बहुत अच्छी नेम। मेक श्योर जो लॉयल्टी पास है तेरी इन्वेंटरी में रहे जब तू मीटिंग्स में, क्योंकि इसके बिना यू आर नॉट अलाउड, ठीक है? एंड बूम, प्लान सक्सेसफुल। अभी मेरा नेक्स्ट मिशन है कि इनके साथ और ज्यादा घुल मिल के रहना है। लेट्स गो। जस्ट मेरे को और वोल्ट का तो हमने चेक कर लिया, जस्ट इधर आके मेरे पास थ्रो करिए। बोड़ा। ओके, इट्स द राइट वन, इट्स द राइट वन, पिक इट अप। ठीक है, ठीक है, जस्ट ये चेक करना था। एंड एक और चीज देखो हमारे पास, देख, इवन दो तेरे को लग रहा होगा कि तू पावरफुल है, बट तेरा जो नेदरराइट आर्मर है, नो कैन सी, चमक नहीं रहा है वो। हां वो एन्चेंटमेंट है, तुम लोगों ने एन्चेंटमेंट लगा के रखो एकदम। ब्रो ये डेफिनेटली हमारे पास प्रोट 4 भी क्या होता है, डेफिनेटली हमारे पास प्रोट 7 का आर्मर है। डोंट मेस विद मी एंड वोल्ट, ठीक है? ओके ठीक है। बट तू हमारा टीममेट है, तेरे को भी प्रो चैंप का आर्मर देना पड़ेगा। सो जस्ट फॉर लेट्स गो। यस। ओ नो एमएलजी,
ओके जस्ट स्ट्रेट डाउन नो एमएलजी स्ट्रेट डाउन यस अरे 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 एकदम 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 गो ओके ओके डीएक्स सो अगर तुम्हारा बेस यूज करना चाहता है यू कैन डेफिनेटली यूज इट थैंक यू एंड मैं ये हरे रंग की विक्स की गोली खा के जा रहा सोने बाय अच्छा ठीक है ऑलराइट थैंक यू बाय थैंक यू तो मतलब प्लान वन हो चुका है सक्सेसफुल अभी नेक्स्ट प्लान में काम करेंगे सो नेक्स्ट जो मेरे को चीज करनी है उसके लिए मेरे को थोड़ा सा रेडस्टोन चाहिए गोल्ड भी उठा लेते हैं थोड़ा सा आयरन भी तो उठाना ही पड़ेगा आयरन भाई बहुत नेसेसरी है मेरे को बहुत सारा आयरन चाहिए ऑल्सो इसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत कोबलस्टोन चाहिए सो लेट्स ग्रैब ऑल ऑफ देम मेरे को थोड़ा सा सोल सैंड भी चाहिए एंड मेरे को थोड़ा सा क्वार्ट्ज भी चाहिए एंड गाइस मैं आया हूं अपने बेस के थोड़ा सा ही दूर इधर इस ओशन में क्योंकि इधर मेरे को फार्म बनाना है सो लेट्स गेट स्टार्ट ओके सो अपना फार्म फाइनली बन के हो चुका है रेडी अभी मेरे को बस विलेजर्स लेके आने हैं सो लेट्स गो विलेजर्स को लेकर आते ओके सो इस विलेजर को अभी मैं जल्दी जल्दी से इधर से लेके जाता हूँ थोड़ा थोड़ा बस मेरे को वहां तक लेके जाना है फिर मैं बोट में बिठा दूंगा चाहिए आई थिंक सो ये आ जाएगा यप लेट्स गो इट्स गोना वर्क It's gonna work. Yeah, let's go. तो मैंने जितने आयरन वगैरह माइन किए थे उनको स्मेल भी करने लग गया एंड मेरे को जो है चाहिए थी स्वीपिंग एज एट एनी कॉस्ट फिर मैंने एंचेंटिंग टेबल बनाया एक्सपी के लिए थोड़ी बहुत नेदर में माइनिंग करके आया एंड फिर एंचेंट किया बट मेरे को स्वीपिंग एज नहीं मिला स्वीपिंग एज के लिए फिर मैंने एक विलेजर बनाया मेरे को फाइनली इतना लगता कि मेरे को एक्चुअली फर्स्ट टाइम में स्वीपिंग एज मिल गया तो मैंने उसके बाद स्वीपिंग एज अपने शॉट में लगा ली एंड उसके बाद टाइम था AFK करना अपने रेड फार्म में लेट्स गो अरे लेट्स गो अपने को हीरो ऑफ द विलेज 5 भी मिला हुआ एकदम काफी देर से और हाँ इधर एकदम मस्त से मैं देख रहा था मैं अभी थोड़े बहुत सॉर्टिंग की मैंने इधर से बेकार का सामान जो है अभी भी चला दिया एंड देखो गाइस अपने पास कितने सारे टोटेम्स हैं ये अभी अपने को काफी ज्यादा जो है काम आने वाले सो लेट्स गो एंड अपने एक्सपी 100 हो गया तो अपने एंचेंट वगैरह भी कर सकते हैं लेट्स गो गाइस लेट्स गो एकदम मस्त फिर मैंने वापस से जाके एक रिवाइव बीकन बनाया Let's go DX stream भाई एकदम अरे रुको मैं आपको पहले एक बार अपडेट देता हूँ ठीक है पहले तो मेरे पास तो सारी के सारे इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसके भी पहले अभी हमने पता एक बहुत बड़ा फ्लॉ ढूंढ लिया क्या 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 बताओ फ्लॉ ये है कि मैंने आपको अभी के अभी जो बाहर निकाला था बैन किया था फिर मेरे को एक्स्ट्रा 5 हर्ट्स मिल गए आपके इन्फिनिट हार्ट ग्लिच मिल गई हमें एकदम से भाई ये तो तगड़ा तरीका मिल गया खैर देखो अभी के लिए वो दोनों सर्वर में ऑनलाइन तो है नहीं और उनको पता भी नहीं होगा कि हमने इतना ज्यादा बड़ा प्लान बना रखा था मतलब क्या ही बताए भाई एकदम वही तो बात है अभी तो ये सब तो सही है अभी सबसे पहले हम एक काम करते मैं आपको जो है आपका जो है आर्मर वार्मर जब आप बना लो नेदरराइट का थोड़ा बहुत आर्मर बना लो तब तक मैं बल्कि के पास जाता हूँ मैं आपको बेस भी दिखाऊंगा एंड आपको जो है आपका आर्मर वार्मर एन्चेंट करने में बाद में हेल्प कर दूंगा ठीक है आर्मर तो मैंने उतार कर रख रखा है सेफ जगह बना के बस उस पर एन्चेंट करना है बहुत मस्त वाली ओके बाद में जो टेडी जो है बैन हो जाने के बाद उसके पास वापस से 5 हर्ट्स थी फिर तब मैंने और टेडी ने मिलके एक प्लान बनाया हम दोनों ने सोचा कि मैं जो है टेडी को बैन कर देता हूँ एंड टेडी को बैन करके फिर मैं चले जाता हूँ बल्कि एंड वोल्ट की टीम में एक साथ एंड तभी के तभी मैंने क्या किया मैंने जो है फार्म बनाया एंड मैंने कर दिया टेडी को अनबैन टेडी के पास वापस से 5 हर्ट्स आ गई एंड मेरे पास जो है 10 हर्ट्स आ गई इसके पहले मेरे पास थे 6 हर्ट्स एंड अभी जो बल्कि एंड वोल्ट का जो टीम था वो काफी स्ट्रॉन्ग था तो मैं अभी उनके टीम में जाके इन्फिल्ट्रेट करके अभी जो है मैं खुद स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड मैं खुद जो है टेडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ये था हमारा प्लान लेकिन ये पूरा का पूरा काम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जबकि इन लोगों को पता ना चले कि मैं अभी भी एक्चुअली टेडी के साथ तो मेरे को पूरा यकीन दिलाने के लिए मेरे को टेडी को जो है बैन करना पड़ा ओके टेडी देखो आपको बल्कि का बेस पे लेके आयो मैं नीचे बल्कि का बेस है ठीक है
तो अभी देखो मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन मेरे पास अभी भी इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास बस पता है कि ये बेस है। अभी भी बल्कि जो है अपग्रेड्स इधर कर रहा है, उसने उतने अपग्रेड्स नहीं किए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अभी भी स्पाई बन के रहता हूँ, एंड जितने भी अपग्रेड्स करता है ना, मैं धीरे धीरे आपको खबर लगा दूंगा। एंड हाँ, इंचैंटमेंट्स वगैरह अगर उससे मिल जाए, जो भी अच्छे खासे रिसोर्सेस मिलेंगे ना, उससे मैं आपकी मदद करने वाला हूँ एकदम। लेकिन मेरे को ऐसे कुछ पता ना लग जाए ना, मेरे को एक काम करो, एक हार्ट दे दो ना, क्योंकि मेरा एक हार्ट अभी कम है। अभी विथड्रॉ करके दे दो, आपको वापस दे दूंगा बाद में। ठीक है, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक। ये लो। थैंक यू। अच्छा। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। हाँ, मेरे लिए कुछ एंचेंटमेंट्स बुक चाहिए होंगे यार मेरे को, एकदम हो सके तो जुगाड़ कर देना। ठीक है एकदम, मैं बस पूरा एकदम इसी प्लान में भी काम करने वाला हूँ, चिंता मत करो। ठीक है चलो जल्दी मिलते हैं। हाँ, चलो। फिर मैंने इधर बल्की के साथ, बल्की के बेस में वापस जाके बहुत सारी एंचैंटमेंट्स करी अपने विलेजर्स के साथ ट्रीट करके। बेकार में मैं 100 एक्सपी लेके एक बार मर गया था, इसलिए मेरे लेवल्स कम हो गए थे। एंड हाँ, वापस से आप लोग कुछ बोलो उसके पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो में काफी ऐसी क्लिप्स है जो बहुत पहले रिकॉर्ड करी हुई थी, तो इसीलिए लेकिन ना ये वीडियो पूरा का पूरा एक बहुत टाइम से रिकॉर्ड करा गया है, बहुत दिनों से रिकॉर्ड करा गया है, फिर अपलोड कर रहा हूँ आज। अनब्रेकिंग 3 व्हाट, एक एमरल्ड चाहिए, मैं आ रहा हूँ भाई। मतलब 25 एमरल्ड मेरे पास है, 26 एमरल्ड में दे रहा है ब्रो, व्हाट द हेल। ओ अच्छा, ओके आ रहा लॉक कर ले। मैं फ्लैचिंग टेबल भी क्राफ्ट करके आया, उसमें का एमरल्ड दे दे। मेरे पास ये ले 14 एमरल्ड थे, वो दे दिए, ले नहीं तो विलेजर चुरा लेगा। ले लिया, हो गया हो गया। ओके प्रोट अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग के विलेजर्स लॉक हो गए। ओके गाइस, तो यही मेन थे यार, अभी तो आर्मर के लिए दे ही मेन है। यप। अरे मैं अंदर ही जाके थोड़े कुवत को फ्लेचर बना था, मैं बाहर क्यों आ गया। ओके ये जगह बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। कोई फ्लेचर बबुआ बन जाओ, चलो फ्लेचिंग टेबल ले लो। ये बंदा स्टिक्स लेके क्या निकल रहा है भाई, कितना स्टिक्स। मेरे को भी दे देना, मेरे को भी देना, मैं भी कर लेता हूं ट्रेड। ये ले। अरे यार इतना कंजेस्टेड एरिया है। ये ले उठा खा लिया रे बाबू। लास्ट कुछ देर से मैं इधर बैठ कर एंचेंटिंग कर रहा था। मेरे आर्मर को मैंने कर दिया है मैक्स, मेरे सॉर्ड को मैंने कर दिया है मैक्स, एंड शार्पनेस 5 अभी। सो इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट मेरा रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो बात ऐसी है कि इधर एक विलेजर तो शार्पनेस 5 बेच रहा था, मैंने उसे शार्पनेस 5 खरीदी एंड अपने सॉर्ड पे लगाया। फिर मैंने एक्चुअली इसको मार दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि और किसी को शार्पनेस 5 मिले। एंड मैंने थोड़े बहुत बुक्स जो है अपने घर में रख के आया था, थोड़े और बुक्स लेके, जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद जो है टेडी को लेके जाके दूंगा। मैं थोड़ा सा और एफ के जाने वाला हूँ अपने रेड फार्म में, क्योंकि पहली बात है मेरे 100 एक्सपी मर गया था, मेरे को वापस एक्सपी करना, और मेरे को बहुत सारे एमरल्ड चाहिए ताकि मैं उन एमरल्ड को यूज करके सारे के सारे बुक्स वापस से ले सकूँ मैं टेडी के लिए। हाँ आ जाओ। हेलो एक्सट्रीम। हाँ हेलो। हाँ मैंने तुमसे कुछ एंचेंटमेंट्स बुक बोली थी। yes, हाँ, याद है ना लास्ट स्ट्रीम में हम लोग यही तो कर रहे थे, मैं और बल्कि यार। हाँ मेरे को प्रोटेक्शन 4 चाहिए यार, किसी भी एकदम। हाँ प्रोटेक्शन 4 सब तैयार करके रखा है इधर। देखो सारे के सारे एंचेंटमेंट्स है, जो चाहिए वो निकाल लो। एंड यहाँ पे मैंने शार्पनेस भी निकाल के दे दिया, लेकिन मैंने उस विलेजर को मार दिया, तो बल्कि के पास शार्पनेस अभी तक शायद से नहीं आया है। ओके तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, ये बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने 4 प्रोटेक्शन 4 की बुक ले ली। ओके हाँ, और बाकी मेंडिंग भी एकदम निकाल के ले लेना, ठीक है? सब रखा है एकदम। अभी तो मस्त एकदम मजा आएगा भाई, क्या प्लान पे काम चल रहा है हमारे एकदम। उनको तो बनक तक नहीं होगी इसी चीज। वही ना। चलो एक्सिम जाता हूँ मैं, ठीक है? एकदम चलो बाय। तो मैं जब वापस आया इस बेस में, मेरे को क्या मिला गाइस देखो, यहाँ पे इन लोगों ने ब्लेज रॉड्स लेके रखे, एंड इस ब्लेज रॉड्स को मैं अभी यूज करने वाला हूँ, इसलिए आपको पता ही चलने वाला है अभी कभी। वैसे इनके पास एंडपल्स भी होंगे नहीं तो, एक सेकंड। तो ये रहा, ये बंदा एंडपल्स बेचता है, मैं इससे जो है एंडपल्स जल्दी से जल्दी ले लेता हूँ। अब ये एंडपल्स मेरे काम आएंगे। ओके अभी किधर दिखा रहा है, ओके अभी भी उधर है। ओके अब वापस इधर दिखा है गाइस, एंड यस इधर नीचे आना है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, मैं जा रहा हूँ नीचे। All right. Oh, damn, देखो उधर है।
लेट्स गो एंड इसको तोड़ो नहीं तो ये लोग दिमाग खराब करेंगे। तो अगर आप लोग पता नहीं हो एक्चुअली एंड में जाना जो है बैंड है तो मैं जाऊँ कि नहीं, आप लोग एक काम करो जल्दी से जल्दी लेफ्ट हैंड साइड में जो वीडियो है उसमें मैंने बल्कि स्टार को 100 एवेंजर्स पकड़ के ट्रैप किया था, जल्दी से आकर उस वीडियो को देखो।